नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को लेकर सामने आ रही है, जहां राकेश टिकैत ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अभी सीमाओं से हटने वाले नहीं हैं, वो भी अपना आंदोलन खत्म करने वाले अभी नहीं है। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने और क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कंपनसेशन का भी एक बड़ा मामला अटकेगा, एमएसपी भी भारत सरकार से है, तो ये लगता है कि बातचीत कुछ न कुछ शुरू तो हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं, आज जाएंगे तो उसमें बात होगी। वो कई जगह से बोला जा रहा है कि राज्य में जाकर किसान आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ऐसा अभी अभी कुछ नहीं है। अभी भारत सरकार से जब तक बातचीत फाइनल नहीं होती, जो इशू है जब फाइनल हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, तो उसी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। आज नहीं बननी, आज तो आंदोलन आगे कैसे बढ़ना है, और अगर सरकार बातचीत करेगी तो उसमें कैसे बातचीत करनी है। जैसे एक है कि हरियाणा में कल बात हुई है वहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री और किसानों की, लेकिन उसमें बात नहीं बनी, उनकी सिर नहीं चढ़ी, तो वे वापसी आ गए हैं, फिर अपनी आन के भी बात बताएंगे। आज मुद्दे क्या रखे गए सर हरियाणा के? एमएसपी तो केंद्र सरकार का है, हरियाणा में मुद्दे रहे हैं जो कंपनसेशन है और जो केसेस दर्ज है, पूरे पर्चे हैं, पर्चों पर उन्होंने बात कर ली कि हम वापसी ले लेंगे। लेकिन अभी जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पर हुई, और ये हुआ कि स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियां दे। टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है, बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अभी कोई रणनीति नहीं बनाई है, हम अपने मुद्दों और आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। आज की बैठक में एमएसपी, अजय मिश्रा टेनी से जुड़ा मामला, किसानों पर मुकदमे और मुआवजे से सभी मुद्दे शामिल हैं। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। यानी कि टिकैत ने साफ साफ ये संकेत दे दिए हैं कि जब तक सरकार टिकैत जैसे फर्जी किसानों की आगे की मांगे नहीं मानती, तब तक ये लोग आंदोलन से नहीं उठने वाले हैं। लेकिन अभी जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पर हुई, और ये हुआ कि स्टेट वाइज उनको कंपनसेशन, उनको नौकरियां दे। राकेश टिकैत ने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही, हालांकि वे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। पंजाब की तरह उन्हें किसानों की मौत और रोजगार के लिए राज्यभर मुआवजा चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।